दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि हमने कल क्या बताया था और क्या रहा और आने वाले कल क्या रह सकता है। तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें आप लोगों को रोज बताता हूँ वही बात है कि ये जो है हमारा व्यू ओनली आप लोग ट्रेनिंग पर्पज बोलो या अपना एक आइडिया मान के चलो, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम चैनल है जिस पे आज मैंने करीब 3-4 बार अपडेट दिया था और जैसा हमें लग रहा था कि मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर आना था, है ना। वो हम उसी कोशिश में लगे रहे पूरे दिन। नीचे तो जा नहीं रहा था, तो लग नहीं रहा था कि नीचे जाएगा, क्योंकि पुट के रेट भी ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। तो यही चलता रहा। अभी कल क्या है, 3 तारीख है ना, ये 3 जून का है। आज क्या बताया था, तेजी मार्केट में क्या रही, मंदी और तेजी दोनों थी बराबर, क्योंकि बाद में 50 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी ऊपर आ गया और 20-25 प्लस में ही बंद हुआ है और फ्लैट निफ्टी बंद हुआ है। तो अभी जिसको जो मानो इतना ये लोग कर देते हैं। अभी यहाँ एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम लोग ईयरली व्यू में क्या बोल रहे थे, 31 मई से और 22 जुलाई तक मंदी, तो वही एक योग आज से शुरू हुआ है जो यहाँ से मंदी वाला था। वो क्या है, बड़ा योग होता है जब ग्रह वगैरह राशि चेंज करते हैं ना, वो आज से शुरू हो गया जिसको हम मान के चल रहे थे। अच्छा, एक योग होते हैं जो हम डेली निकालते हैं कि क्या हो सकता है, तो वो योग जो आ रहे थे टोटल मिला के जो मैं निकालता हूँ उनमें एक भी मंदी का नहीं आ रहा था। अब जो मंदी हुई है वो हुई है, मेरे को भी पता है, मैं ये नहीं बोल रहा। आप लोग लिखोगे कि जब तेजी की जगह मंदी होती है तो आप बोलते हो कि कुछ नहीं बोलते, हाँ मंदी हुई है मैं मानना हूँ, लेकिन दोनों साइड रहा है, मार्केट नीचे गया है पूरा रिकवर करके और प्लस में ज्यादा आ गया, ठीक है। तो अगर जिसको सब्र होगा, हम भी 12:30 बजे तक बोलते रहे कि भाई आएगा, फिर मेरे पास कई मैसेज आए, सर कॉल है, तो मैं आपको भी फॉरवर्ड किया था 3 बजे के करीब, वो मैसेज मैंने पहले ही डाल दिया था प्रीमियम पे, भाई डरने वाली बात नहीं है, मार्केट ऊपर का ही है, कॉल वगैरह से डरो मत, ही ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, 3 जून बृहस्पतिवार एक्सपायरी है, मेरा ये व्यू आप मानना ही नहीं, क्यों बृहस्पतिवार को वो होता है और प्रीमियम होता है कम और वो पैसा चले जाते हैं, वहां जो लगे या मेरे से जो मदद होगी मैं और बता दूंगा आप लोगों को। ये टेलीग्राम चैनल पर पक्का अपडेट करूंगा सुबह को भी, फिर 2 घंटे बाद जो मेरा व्यू बनेगा, जो मैंने ये बताया हुआ है उसमें, ये एक्चुअल संडे को बता देता हूं मैं, तो संडे को जो मैंने बताया हुआ है उसमें 60% या 65% डाउन बताया है, 35% मेरे को ध्यान है ऐसा ही, मतलब 65-60, तो मतलब ये रेशो मान लो के 2 मंदी 1 तेजी, ठीक है। मतलब कल कोई फोन भी कर रहा था उनके, ये मंदी तेजी समझ में नहीं आती, अभी मैं थोड़ा सा बुलिश लिखा करूंगा या बियर्स या अप लिखा करूंगा या डाउन। तो मार्केट 3 जून को अप डाउन दोनों साइड रहेगा, कहने का मतलब ये है एक साइड रही है, लेकिन जो ज्यादा दिख रहा है वो मंदी की तरफ दिख रहा है, बात समझ गए। मतलब तो जो ज्यादा दिख रहा है मंदी की तरफ है, पर जो ये ज्योतिष के हिसाब से है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इसमें देख लेना। तो ये हो गया 3 तारीख के लिए, ठीक है। तो अभी वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, खत्म करेंगे, सिर्फ ये बता रहा था मैं कि जो ईयरली वाला व्यू था जिसमें हम निकालते हैं, वो एक योग आज से चेंज हुआ था, ठीक है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मंदी थी मार्केट के अंदर, जो जिसको हम मानना है, हाँ भाई मंदी थी, पूरे दिन मंदी थी, बाद में 1 घंटे में मार्केट कवर तो करीब करीब 1 बजे के करीब से उसने कवर करना शुरू कर दिया था, है ना,
वो दिखने लग गया था मेरे को भी, और उसी के आधार पर पता लग रहा था मार्केट कहीं ना कहीं प्लस में क्लोज होना चाहिए। अभी यहाँ एक मार्केट में ना आगे जो हम लोग सोच रहे हैं ना, वो चीज दिख नहीं रही ना मेरे को लग रहा है होने वाली है, तो वो आप एक दिमाग में कॉमन आइडिया रखना। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस तेजी की हम आशा कर रहे हैं ना, वो तेजी नहीं है। अभी आगे मार्केट ऐसे ही तंग करेगा अभी कुछ दिन ना, किसी दिन नीचे किसी दिन ऊपर, मतलब ऐसे रिकवर कर देंगे नीचे से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका पीरियड है ना, अभी कितना 3 तारीख हो जाएगी ना, तो अभी जो आपको 9 तारीख तक, कितने तारीख से, 3 तारीख से 9, इसमें 2 छुट्टी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये कितने बने, 7 दिन, 2 छुट्टी, 5 दिन बने। इन 5 दिन के अंदर आप लोग बड़ा आइटम जो आप लोग शेयर वगैरह रखते हो, वो जहां हाई लगता है उस पर निकालने की कोशिश करना। बात समझ रहे हैं ना, हमारी तरफ से जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए करीब करीब 1-1.5 महीना क्या रहेगा, डाउन साइड रहेगी मार्केट में। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास जो शेयर है, इसके बीच में जहां बढ़ता है वहां निकाल के थोड़े दिन तसल्ली करना है। मैं फिर बता देता हूं, इसमें जो मेरा मकसद होता है कि जिसके पास में शेयर आए, मान लो किसी ने 10,000 के खरीदे तो 15 के हो गए, तो अपना जितना पैसा लगाया है वो निकाल लो, बाकी के 5,000 रुपए के पड़े रहने दो। वो किसी को नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता, वो भगवान जानता है सिर्फ, ठीक है। ये तो हम केवल एक आइडिया निकालते हैं, जो कुछ करते हैं वो निकालते हैं ज्योतिष के हिसाब से, ये किसी को नहीं पता। तो जो तुम्हारा ये प्रॉफिट का पैसा है ना, उसके शेयर पड़े रहने देना। वो मान लो कम भी हो गए, 5 के मान लो कैसे ही कम हुए, 3,000 के हो गए, फिर बढ़ जाएंगे। जब मार्केट बढ़ना शुरू करता है तो 4 दिन में ही कवर कर जाता है, और जिसके पास पैसा की कोई जरूरत नहीं, वो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये फायदा ये रहता है, मानो कैसे ही नीचे चले गए, वहां पर फिर हम इसको सेम को खरीद लेंगे। मानो हमने कोई चीज 100 रुपए पे सेल की, 80 हो गई, तो हमारे 100 की जगह 125 शेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 3 तारीख से 9 तारीख तक निकलना है आप लोगों को। फिर 10 से मैंने बोला है आपका डाउन ट्रेंड शुरू है, वो कब तक है, 20-22 तक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा नीचे जाएगा, एक दिन अप भी जाएगा, 2 दिन डाउन जाएगा, वो उस टाइप से होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आप लोगों का, तो थैंक यू, जय हिंद।